हमने थोड़े दिन पहले एक ऐतिहासिक अकॉर्ड साइन किया है एंड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट अग्रीमेंट पहले भी हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुआ है. इसी के लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट अ कैंडिडेट विच ऑज फ्रॉम आवर साइड माय सिस्टर हैज बीन चोजन टू रिप्रेजेंट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली में अग्रीमेंट में कोई रोड ब्लॉक्स आए. लॉजिकली ये अग्रीमेंट को अगर दिल्ली में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक सही आदमी को जाना था, एक सही व्यक्ति को जाना था और टिपरा मोथा एंड बीजेपी ने डिस्कशन के बाद हमने एग्री किया है कि शी वुड बी द बेस्ट कैंडिडेट जो हमारा सोल्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक फ्रेमवर्क के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें सॉल्व कराने के लिए एक चांस इसके लिए. Those who are targeting you personally, how, what will be your message to them? अरे those people who are targeting, let them target. मैंने क्या कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूँगा जिसने मेरे संग पॉलिटिक्स किया. मैं उनको रुलाऊंगा जिसने मुझे रुलाया था. मैं आम आदमी, आई लव माई पीपल, आई ऑलवेज बी विथ माई पीपल, आई एम नॉट फाइटिंग माई सेल्फ. और जिनको टारगेट करना है, 25 साल तक आप रूल कर रहे थे त्रिपुरा में, इट इज़ वेरी क्लियर किसका अंडरस्टैंडिंग किसके साथ था. आज कौन किसके संग अलायंस में जा रहा है ये तो हमें पहले से मालूम पड़ गया, और कौन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता था लेकिन एक ही सरकार जीती थी त्रिपुरा में. तो वो छोड़ दीजिए, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. पूरे इंडिया में ये लोग हार रहे हैं तो यहाँ में भी कोई चांस ही नहीं है इनका कोई जीत के आने के लिए, कोई चांस ही नहीं है. आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम टू मच इम्पोर्टेंस. मैडम आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा? वेल वी आर ऑल हियर टू वर्क टुगेदर फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड आई विल गिव माय बेस्ट. आई विल सी दैट व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू एंड वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम श्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ माय ग्रैंडफादर इज आल्सो देयर एंड योर ब्लेसिंग्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. तिपरा सा जो कष्ट में है उनको कुछ मिलना चाहिए और इसी के लिए मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ में रहूँगा और हम जॉइंटली अपनी बहन को भेज रहे हैं क्योंकि ये अकॉर्ड को हमें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना होगा. अपोजिशन वाले बोल रहे थे पहले आपका स्लोगन था पहला जाति उर्ला पार्टी, मगर आज आपकी फैमिली से कैंडिडेट बना है तो ये क्या इसको लेके क्रिटिसाइज हो रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे? अपोजिशन है नहीं त्रिपुरा में, अपोजिशन इंडिया में नहीं है. और दूसरा बात है मैं कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, मैंने क्या बोला, कोयला जाति उलो पार्टी. आज भी पार्टी का नहीं सोचकर जाति के बारे सोचकर मैंने कैंडिडेट दिया है. सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है अपने लोग. आप लोग अगर ये बात समझ सकते हैं तो अगर आपको पार्टी ही बचाना है तो कांग्रेस और सीपीएम ने जो अंडरस्टैंडिंग किया है इससे कितना नुकसान हो रहा है कांग्रेस को. मैं भी कांग्रेस का एक वॉरियर था, मैं जानता हूँ 30 साल तक 25 साल तक हमको नौकरी नहीं दिया गया, रेगा से बाहर रखा गया, बहुत लोगों का उम्र पार हो गया, सीपीएम ने इनको नौकरी नहीं दिया. आज आपने पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग कर दिया और यहाँ में हमारे वोटर्स को छोड़ दिया. तो ये सब बात करके मैं अपोजिशन को इतना स्पेस नहीं देना चाहता हूँ. वो लोग 25 साल तक राज कर रहे थे, क्यों नहीं सोचे हमारे बारे तक, कहाँ गए उनका हमदर्दी? आज डेमोक्रेसी बचाना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे क्या हुआ? तो ये सब बात के लिए मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ. और मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया ये लोग नहीं जीत रहे हैं तो मैं अपने लोगों को गलत रास्ते में क्यों ले जाऊँ? मैं उन्हीं के साथ बात करूँगा जो हमारे लोगों को कुछ दे सकता है. और आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सरकार बना रही है. सर आपका पार्टी का फाउंडेशन हुआ था.